फिर से आपका साउंड बोल चैनल में और आप देख रहे हैं आपका अपना एसबी। और बाकी आपने कंटेंट देख ही लिया होगा कि भाई किसके ऊपर वीडियो आज शूट होने वाली है। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं जो कि सीएनजी के ऊपर है। सीएनजी मतलब एवरेज देखने वाले हम कि सीएनजी के गाड़ी पर एक किलो में कितना एवरेज आती है, जो कि गाड़ी कम से कम 10 से 11 साल पुरानी है। और भाई 10 से 11 साल पुरानी मतलब बहुत पुरानी होगी। तो यार अब देखते हैं कि कितना वो एवरेज दे रही है सीएनजी एक किलो गैस पर। तो भाई वही करने वाले हैं चेक उसका, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार फटाफट से सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी 10K करवाओ, ताकि मैं आपके लिए गिव अवे रख सकूँ। तो गाइस वीडियो पूरी देखा करो, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी अगर आपने मेरी फॉलो नहीं करी है तो आप उसको भी फॉलो करो और मजा लो वीडियो का। तो अभी जैसे कि अपन गाड़ी के अंदर आ गए, ठीक है। अब पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये सीएनजी पे ना देखो, सीएनजी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो रही है। ये देखो ये सीएनजी पे कर रखी है, ये सीएनजी पे पीली होने के बाद अब इसको चला के देखते हैं। देखो ये झटके से मारती है, कमाल है। तो ये लोकल एरिया का बुरा हाल है बिल्कुल यार, रोड पे से बिल्कुल बीच में हटाने को राजी नहीं होते। तो अब ये देखो ये झटका ले रही है ये, क्योंकि सीएनजी इसमें ख़त्म हो रही है बिल्कुल। तो यही रीज़न है इसका। तो अब इसमें 1 लीटर डलवाते सीएनजी, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कितना एवरेज ये इस टाइम करेंटली दे रही है। तो अभी अपन क्या है सीएनजी पंप पे आ चुके हैं और इधर 1 किलो गैस डलवाने वाले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अपन सीएनजी पंप पे आ गए हैं और यहाँ पे 1 किलो सीएनजी डलवाने वाले हैं, ठीक है। तो 1 किलो ही डलवाएंगे सीएनजी, 1 किलो ही डालना भैया, ठीक है। तो यहाँ अपनी 1 किलो सीएनजी डल चुकी है, ठीक है। तो अभी इसमें 1 किलोमीटर क्रॉस हो गया, ये देखो शायद आपको दिख रहा हो तो, यस नया 1 किलोमीटर क्रॉस हो गया। अब देखते हैं क्या, वैसे तो ये गाड़ी 60 पे चल रही है, 60 से थोड़ी बहुत नीचे होगी, बस ये इतनी चल रही है क्योंकि अभी भगाने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये 7 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। और बाकी और देखते हैं ये कितना चल सकती है। बाकी मैं देख लो, दोनों गाड़ी घटी एक साथ गई थी। और बाकी जैसे कि आप देख रहे हो तो ये मेरी 10 क्रॉस हो चुकी है, तो ये स्पीड ये रही। तो गाइस ये देख रहे हो, तो भाई कैसी ठंड में ये बंदा, ये देखो ऐसी ठंड में मतलब यार। ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी भाई साहब मतलब बंदों की तारीफ़ है, क्या बात है ना भाई छोटे। तो यार ये काम करने वाला है, देख रहे हो कैसे यार ऐसी मतलब कैमरे में भी धुंधला धुंधला दिख रहा होगा और फिर भी बंदे लगे हैं यार, क्या बात है।
पता है काम करना तो है। क्या बात है। तो गाइस अभी अपनी जो गाड़ी चल चुकी है वो चल चुकी है इतनी 19300, ठीक है, 19 किलोमीटर 300 मीटर, ठीक है, ये चल गई। और अपनी सीएनजी पे ही चली है। अभी देखो सीएनजी पीली सीएनजी पे चल रही है जो कि 5-6 रुपए है, ठीक है, अभी इस पे ही चल रही है। तो अभी देखते हैं कितना और चल सकती है भाई। वैसे तो मुझे भरोसा नहीं था बिल्कुल भी कि यार 10 से 11 साल पुरानी गाड़ी तो यार इतना भी चल सकती है, लेकिन और देखते हैं कितना इसमें अभी स्टैमिना है, कितनी इसमें ताकत रह गई। क्यों भाई छोटे है भैया? तो भाई देखते हैं अब और कितना चल सकती है, कितनी है इसमें भी जान। तो अभी ये पूरी हो गई है 20 किलोमीटर टच, ठीक है, 20 किलोमीटर ये चल चुकी है। अब और देखते हैं। तो यार सच कह रहा हूँ इतना बढ़िया लगा मुझे इस टाइम यहाँ पे आने के बाद, इधर जो हरियाली देखने को मिली है ना। अभी दिखाता हूँ तो अभी ये चल चुकी है 26200, ठीक है। मतलब जो 60 से ऊपर में बढ़ा नहीं रहा बिल्कुल भी, सिर्फ 60 के लमसम ही मैंने गाड़ी चलाई है। तो यहाँ हो गई है 27 किलोमीटर जो कि 60 के ऊपर। तो गाइस मैं सही बता रहा हूँ कि यार मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता था कि यार 10 से 11 साल पुरानी गाड़ी 27 किलोमीटर टच भी कर सकती है। अभी लास्ट का भी नहीं पता कि ये कितना और भागेगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी ये चलने वाली है। तो यार बहुत बड़ी बात होगी और ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जिसने आपको इतना ख़ास तौर से बताया हो सीएनजी के ऊपर कि 1 लीटर में कितना आ रहा है। और पेट्रोल का भी मैं किसी दिन दिखाऊंगा 1 लीटर का चैलेंज लेके कि 1 लीटर पे कितना एवरेज निकालती है वो पेट्रोल पर, उसके लिए भी निकालूंगा। और देखते हैं ये कब तक होती है, कितना है लास्ट सीन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार कर दो भाई, कर दो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। खासतौर से जो नए सब्सक्राइबर है तो यार वो भी जल्दी सब्सक्राइब करो और जल्दी सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार ये गाड़ी की सीनरी ख़त्म हो गई है, बाकी ये 29300 चल चुकी है। यार ये देखो ये गाड़ी झटके मारने लग रही है और देखो। तो ये गाड़ी झटके मारने लगी और अब देखो बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही बिल्कुल भी। तो अब क्या है कि अपन इसको पेट्रोल पे कर लेते हैं और साइड पे करते हैं वीडियो का एंड, तभी साइड में कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा देता यार सीएनजी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि आपने देखा यार बीच बीच में झटका भी ले रही थी। और मैं एक्सीलेटर और दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो पूरा पंजा रख दिया, रेस होनी चाहिए लेकिन रेस नहीं आ रही। तो यहाँ पे सीएनजी मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी है और अब ये चल चुकी है 29700, ठीक है। तो भाई यही था और इस वीडियो में सिर्फ बताने का यही था कि भाई सीएनजी पर कितना एवरेज आती है। और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी था जो कि मुझे मिलते थे, तो वो बंदे कहते थे कि यार एवरेज के लिए निकालो कितनी एवरेज कर सकती है,
कि पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी उसकी एवरेज तो घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन बस यही था। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और फॉलो करना इंस्टाग्राम को। और बाकी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ कि आपके लिए कौन से कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाया जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, टिल देन बाय बाय।